तीसरी बार मैंने ये कही थी कि मुझे पता चला कि आप अपने बहन भाइयों के साथ रवैया अच्छा नहीं है, मिलते जुलते नहीं है, तो ये आप ये ना कि कल को हमारे साथ ऐसा करो कि कहता नहीं ये मैं अपनों से भी मिलूंगा, मैं अपनों को भी बुलवाता हूँ। मैंने कहा अपनों को लेके आना है सबको, जैसे अभी लेके गए हैं ये ऐसे ही आपने मिलते जुलते रहना है, क्योंकि मुझे इसके भाई ने थोड़ा सा बताया था रास्ते में कि ये ना थोड़ा सा कम मिलता जुलता है, तो ज़रा इसको कहें इसको ज़रा समझाएं, ये भी बात समझाएं। तो हर बात पे जब कोई काम होता है तो हमें आगे कर देता है, आगे पीछे हमें पूछता भी नहीं है। तो मैंने इससे ये भी हलफ लिया था कि आप अपने रिश्तेदारों से भी मिलोगे और हमें भी इस तरह ही मिलना है जिस तरह अपने रिश्तेदार होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि कल को कोई मसला हो तो कहता नहीं जी इंशाल्लाह मैं हलफ देता हूँ। इसने बल्कि मेरे सर पे हाथ रखने की कोशिश की, मैं आपको हलफ, मैंने कहा मेरे सर पे हाथ रखना आप हलफ, उधर एक सपारा पड़ा हुआ था इनके चैम्बर में, वो पकड़ के इसने हलफ दिया मुझे। और जिस दिन हम गए उस दिन भी इसने शराब पी हुई थी। तो फिर शादी में इसके जो दीगर भाई बहन थे वो आए थे? आए थे, ये सारे टोटल बहन भाई थे, इनके वालिद मौजूद थे। तो उसके बाद से आपको कभी महसूस नहीं हुआ या कभी ज़ाहिर रिश्ता आपने करवाया था तो इनके वालदैन ने नहीं कहा कि बेटी को कुछ कर रहा है या बेटी के साथ तफावुत में है या उसको जदोकोप कर रहा है या बेटी परेशान है? नहीं, ऐसी कोई बात इससे पहले नहीं सामने आई। अभी जब इसकी शादी हुई है ना, तो ये पहले जॉर्ज टाउन में था, इनका अपना घर है दुकान का, तो उधर फर्स्ट फ्लोर पे ये शिफ्ट हुआ, नीचे किराए पे दिया हुआ था, तो उधर बड़ा घर था दोकनाल का, ये दोनों मियाँ बीवी ज़रा वो वहाँ रहना मुश्किल था थोड़ा सा। तो चंद दिनों के लिए अली को रखा साथ, फिर वो कहता है, अली ने कहा नहीं मैंने नहीं इधर रहना, मैं के घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये उधर सेपरेट हो गया, मेरे पास आ गया, इधर आके रहता रहा अली। तो अली मेरा दामाद भी है। तो ऐसे फिर मुझे इसने, मैंने कहा कि आपके बहन भाई नहीं आते, कहता यार ना मेरे भांजे और भतीजे जो ना जवान है, तो मेरी बीवी जवान है, मैं ये नहीं समझता कि वो मेरे घर में आए और मैं घर पर ना हूँ, तो ये मैं नहीं समझता, मैं इसलिए ना बाहर से लॉक करके जाता हूँ मैं आपको, वो मैं एक दिन गया था तो बाहर से लॉक कर, ये मैं इनका वेट करता रहा, तो फिर ऊपर गया हूँ। तो कहता मैं इसलिए ये लॉक करता हूँ और मैं अपने बहन भाइयों को इसलिए कम मिलता हूँ कि मैं उनको इस घर में लेके नहीं आना चाहता कि मेरी बीवी भी जवान है और मेरे भतीजे और भांजे भी जवान है, तो ना मैं उनके घर लेके जाता हूँ ना मैं उनको लेके आता हूँ, जब दो तीन चार बच्चे हो जाएंगे फिर आना जाना हो जाएगा, फिर कोई और बात हो जाएगी। अच्छा, उसने आपसे तल्ख कलामी या आपसे ताल्लुकात में शिद्दत उस वक्त आई कि जब आप चैम्बर में इंतज़ार कर रहे थे और ये आ नहीं रहा था या उससे पहले भी? नहीं नहीं, ऐसे हुआ कि ये सारी बातें तो एक तरफ हैं, मुझे मेरे बहनोई ने ये एंड पे बताया है कि हमने वो भेजा इसने जो, हालांकि देखो ये बात बड़ी सीरियस बात थी, इन्हें चाहिए था मेरे साथ शेयर करते कि इसने अबॉर्शन के लिए भेजा है। तो अब मेरी बहन भी कहती है कि मैं हमने इसलिए आपसे छुपाया था कि मेरी बेटी ने कहा था कि मामू को ना बताना, मामू को इसने मना किया था कि अगर उस तक बात चली गई ना मामू तक तो फिर देखना, उसे पता था ना कि ये थोड़ा सा शिद्दत लड़ाई में जज्बाती हो जाता है, इसकी एक लड़ाई थी उसमें मैं जाके इसको बचाया था, काफ़ी हद तक ये मर भी सकता था उस लड़ाई में, तो ये जानता है मुझे। तो इसने कहा मामू से कोई बात शेयर नहीं करनी, छुपाए रखी है, तो वो बच्ची ने बेचारी ने मुझे कोई बात नहीं बताई आज तक, कुछ नहीं बताया मैंने, हालांकि इसकी मामी की ड्यूटी लगाई थी, जब आए निमरा इधर तो उससे हर बात पूछा करो, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ये हमने अपने घर से रुख्सत की है और हमारी जिम्मेदारी है रिश्ता। मैंने इसे ये भी कहा था कि ये मैं अपनी बेटी आपको दे रहा हूँ, भांजी भी बेटी है लेकिन मैं अपने घर से रुख्सत कर रहा हूँ उधर से ला के बड़ी जिम्मेदारी से। तो इसने कहा इंशाल्लाह मामू जी कभी आपको कोई शिकायत नहीं होगी और ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है जो आप कर रहे हो, इंशाल्लाह आपको आप सुरखरू होंगे। अब्बू थे समझदार थे, अम्मी थी, उन्होंने समझाया कि बेटा भी ये अल्लाह पाक की देन होती है, अगर आपको बेटी नहीं चाहिए तो आप हमें बेटी दे दें, हम बेटी रख लेंगे, लेकिन ये हम कभी भी नहीं करवाएंगे कि आपका ये जो ना ये ज़ाया वाला चक्कर ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने समझा कि ये एक गैर कानूनी बात है या दीन इस्लाम भी इस तरह बताया गया कि जो भी हो उसको सीने के साथ लगा के रखना चाहिए, बेटियां बिल्ला पाकि रहमत बिल्कुल सही है, तो ये शरण मुनाफी काम है। हाँ जी, तो उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया। उस वजह से जो है ना अबू ने फिर कॉल की इनको कि बेटी हुई है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हमें दे दो। इसने बोला कि आप मेरी वाइफ को मेरे पास वापस भेज दो। इसने जो मेरी बहन थी एक दो दिन वहाँ पर रुकी है उसको अपने हाँ वापस बुला लिया और तब से लेके इसका रवैया उसके साथ थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। और यानी आप ये समझते हैं कि आपने अपनी बहन के घर भी देखा, उसके आप अपने बहनोई के साथ भी वक्त गुजारा, तो आप समझते हैं कि जब उसे पता चला कि बेटी होने वाली तो उस दिन से उसका रवैया ज़्यादा तब्दील हो गया। और उस दौरान ये यही चाहता था, पहले तो मैं घर में चला जाता ना, हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद फ़ोन करके बुला लिया, अगर मैं गाँव गया हूँ गाँव से इनके लिए कोई लस्सी गाँव से आपको पता चीज़ें होती हैं, कोई साग वगैरह ले आए इनको दे दिया तो वो मैं देने आता था, तो मैं कोई घंटा डेढ़ घंटा रुक गया, लेकिन इसकी यही कोशिश होती थी कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले, हम बहन भाइयों को जो है ना ज़्यादा देर उनके पास रुकने नहीं देता था। तो ज़्यादातर आपको कब बुलाता था, जब आप वो घर खुद होता था?
जी हाँ, जब ये घर से जाता था तो अपने घर को लॉक करके जाता था ताकि इसका बाहर से लॉक करके जाता था। एक ग्रिल होती थी, ग्रिल को पहले इसने ताला लगाना होता था, उसके बाद जो मेन गेट होता था उसको ताला लगा के जाता था। डर ये था कि कोई मिलने ना आए, हमने कभी जाना भी है ना तो हम इसके फोन के बगैर कभी नहीं गए। हम पहले इसको फोन करते थे कि हम बहन से मिलना चाह रहे हैं। अपनी बहन को मिलने के लिए उसकी इजाजत दरकार होती थी आपको? जी, हमें इजाजत उसकी दरकार होती थी बिल्कुल, क्योंकि वो घर में लॉक करके आता था। अच्छा, उसको डर शुरू से था, ये शुरू से उसकी ये रूटीन थी या बाद में बनी? जो पहली वाइफ थी उसके साथ भी इनका कोई ना वो भी शक्की मिजाज, उनके ऊपर भी इसी तरह शक। और ये हमारी जो बहन थी, हालांकि इनकी इतनी एज तो नहीं थी, मुझसे छोटी थी, तो लेकिन समझदार थी। कभी भी उन्होंने उस तरह की कोई बात नहीं की। उनका जो है ना वो बिल्कुल माइंड फ्रेश रहता था। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा। मामू के यहाँ वो चक्कर लगाने आती थी, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला या वो बोला या घर से ताला लगा के आता है। लेकिन हमें सारी चीज़ें पता होती थी, ये हमारी बहन को किस तरह उधर रखता है। अली ने जब ये बातें बताई तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने इसको फ़ोन किया है, मैंने कहा किधर हो? कहता मैं आ रहा हूँ सुपुरदारियों के लिए। मैं पहले वेट कर रहा था, ये कह रहा था मैं आ रहा हूँ, मैं खड्डा खुदवा रहा हूँ, उसके लिए सुई गैस दरवाजे में लगवा रहा हूँ। तो मैंने फिर फ़ोन किया तो कहता मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने ना 3:15 बजे फ़ोन किया, मैंने कहा यार आपने आना है या नहीं आना? कहता यार मैं देखो वो आवाज़ आ रही खड्डे की तो मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैं ना 9:00 बजे करवा लेंगे। मैं कहता हूँ तो जैसे इसे शक पड़ गया कि उधर इसे पता चल गया बात का, तो फ़ोन बंद कर दिया इसने। फिर मैंने फ़ोन किया थोड़ी देर, मेरे भनोई का भी फ़ोन आया कि यार वो पता करो आप लोग अभी तक इधर ही बैठे हो कि क्या मसला है, वो क्यों नहीं मेरा फ़ोन अटेंड कर रहा? मैंने अननोन नंबर से किया तो उसने अटेंड करके ये कह दिया मैं कोर्ट में हूँ। मैंने कहा भाई कोर्ट में वो नहीं आए, मैं उनका वेट कर रहा हूँ, वो तो घर पर ही हैं, तो मैं जाता हूँ उनकी तरफ जाता हूँ। मैंने उसे फ़ोन किया कि मैं फिर आपकी तरफ घर आ रहा हूँ, तो कहता नहीं आपका भी ना आना, मैं घर पर नहीं हूँ, तो मैं जब वापस आऊँगा तो आपको कॉल करके बुला लेता हूँ। मैंने कहा जब घर पे नहीं होते तो पैर से लॉक करते हैं तो मेरा जाना फजूल है, तो जब आएंगे तो मुझे कॉल करेंगे, मैं चला जाऊँगा। फिर मैंने शाम को दोबारा कॉल किया कि मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ तो मैं फ़ोन कर लूँ, मैं सीधा उधर से होके जाऊँ। फिर उसने काट दिया फ़ोन। फिर मैंने रात को एक बार कॉल किया, फिर उसने काट दिया। फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ के कॉल किया, उसने फिर काट दिया, बल्कि काटा नहीं वो अटेंड ही नहीं किया। तो मैंने समझा यार या वो रास्ते में होगा, गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, मोटरसाइकिल उसके पास मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा होगा तो नहीं अटेंड किया होगा, चलो जाएगा कर लेता है। ऐसी करते करते मैं इधर अपना मेहमान आ गया, उनके दरमियान बिजी हो गया हूँ, तो थोड़ी देर बाद एक मेहमान आया तो मैंने उसे चाय दी है। बाहर बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मेरा ख्याल 9:30 का टाइम था या 9:30 का था या 10 बजे का था, किनमिन हो रही थी, छोटी छोटी बारिश हो रही थी। तो थोड़ी देर बाद राउंड अबाउट 11:15 की इनकी कॉल आती है, पहले मेरे फ़ोन ही अटेंड कर रहा था तो कॉल आती है, तो मुझे अंदर मिसेज ने दरवाज़ा नोक करके मैं ड्राइंग रूम में था तो कहा कि मियाँ का फ़ोन है, तो वो कह रहा है निमरा की तबीयत नहीं ठीक है। मैं जल्दी से फ़ोन मैंने उठाया पकड़ा तो मैंने कहा हाँ जी मियाँ साहब क्या बात है? कहता है यार निमरा की तबीयत ठीक नहीं, आप जल्दी से आओ। कि यहाँ भी हमने गाड़ी करवाई है, गाड़ी करवा के जब हम रस्ते में गए तो रस्ते में उन्होंने पहली कॉल की है, जब हमने वो पिक मोर क्रॉस किया है, कहता कि आप आ जाओ उनकी तबीयत खराब है। मामू ने गुस्से से बोला कि उनकी तबीयत खराब है तो आप हॉस्पिटल लेके जाओ, आप हॉस्पिटल लेके जाओ। तो फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन करके कहता कि दरवाजा बंद है, मुझसे दरवाजा नहीं खुल रहा, उसने अंदर से कुंडी की हुई है, लो किया हुआ है दरवाजे का। अच्छा, तो यानी उसने ये ड्रामा किया कि वो बाहर खड़ा हुआ दरवाजे के। जी, वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। अच्छा, तो मामू ने बोला कि लो किया हुआ तो आप दरवाजा तोड़ लो। बीवी होती है बंदे के दिल में प्यार हो, साथ छोटा सा बच्चा है, उनको फिर बेटी होने वाली है, तो आप अंदर चले जाओ दरवाजा तोड़ के। कहता मैंने काफ़ी ईंटें मारी, मुझसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा। थोड़ी देर बाद फिर आगे जब हम अकबर चौक गुजरे हैं तो वहाँ पे फिर उसकी कॉल आई है, वक्फे से हमें कॉल करता रहा। तो मामू ने बोला आप हमें बार बार कॉल कर रहे हो, सुबह के हम आपको कॉल कर रहे थे तब आप कहाँ थे, तब आपने एक दफ़ा भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया, ना आपने हमें घर बुलाया। अगर आप इतने ही हो तो आप खुद दरवाज़ा तोड़ लो, दरवाज़ा तोड़ के उनको बाहर हॉस्पिटल में ले जाओ। तो कहता मुझसे नहीं दरवाज़ा खुल रहा जिस तरह था। फिर हम जैसे ही हम गए ना तो ये बाहर मेन गेट पर खड़ा हुआ है, इसके पास दो बंदे थे, एक बंदा बाइक पे बैठा हुआ है और एक बंदा इसके साथ सलाम ले रहा है, जिस तरह भी बात की है उसने, ये इस तरह हाथ बगलों में इसने लिए और खड़ा हुआ है। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे हैं, हमारा तो माइंड ये था कि हम जाए और सबसे पहले अपनी बहन को देखें बिल्कुल, उसके कुछ सांस बाकी हो तो उनको हम हॉस्पिटल में ले जाएं। उन्होंने कोई, हमारे दिन में यही था कि उन्होंने खुद कुछ किया होगा, गोलियां वगैरह इस तरह को, क्योंकि वो तंग था पहले भी, तंग था। हाँ जी, तो हमने कहा कि शायद इसके शक करने की इतनी वजह से या इसने उसको इतना कुछ कह दिया हो कि उसने कुछ कर लिया हो, जो हमारा माइंड था। तो हम जब गए हैं तो हमारी कोशिश थी कि हम सबसे पहले जाके अपनी बहन को देखें। दरवाज़ा लॉक था, ये बाहर मेन गेट में खड़ा हुआ था और मेन गेट ही खुला हुआ था,
मेन गेट के साथ एक छोटी बारी भी थी, वो नहीं खुली थी, इसने मेन गेट खोला हुआ था। मेन गेट हम दोनों अंदर गए हैं, मैं, मामू और इनकी वाइफ और साथ इनका दोस्त। हम जब अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद ग्रिल से जब हम अंदर इंटर हुए हैं, जो दरवाज़ा था जहाँ पे कुंडी लगी होती है, जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं उनके ऊपर वाली साइड से कुंडी लगी होती है, तो मैंने आपको तस्वीरें भी थोड़ी फॉरवर्ड की हैं, वो कुंडी के साथ इसने सुराख किया हुआ था। सुराख इस तरह हुआ था कि जो कुंडी थी उसको बंदा हाथ अंदर करके खोल भी सकता था और लगा भी सकता था। और जो तफ्तीश कर रहे हैं उन्होंने बाद में जाके ये किया भी है, उन्होंने देखा भी है, कुंडी लगती भी है और कुंडी खुलती भी है। यानी इसने खुद से वहाँ पे सुराख किया, इसने चटकनी लगाई है। हाँ जी, इसने खुद सुराख किया। अब देखिए, अगर देखने के लिए सुराख करना था तो ये दरवाजे के सेंटर में भी तो कर सकता था ना, कुंडी के साथ इसका सुराख करना क्यों बनता है। कुंडी के साथ सुराख किया, उसके बाद जब हम गए दरवाजे में चाबियाँ लगी हुई हैं, हमारे तो होश खोए हुए थे। तब जाके जब सुराख में हमने देखा है ना, तो बहन की लाश जो है ना वो हमें नजर आई है, जुबान उनकी बाहर आई हुई थी। अगले दिन हो सकता है इसकी बेटियां आई हूं, तो मेरी भांजी ने कहा हो कि मैं भी नहीं खाना इनके लिए बनाऊंगी, आपकी बेटियों के लिए। तो इस बात से मेरा ख्याल है, खदशात जो है ना, जो वो मुझे तलकलामी बढ़ी है। और इसने मेरे बहनोई की भी बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद जब इसे पता चल गया कि मामू को पता चल गया, इसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और मुझे कभी यकीन है कि ये बात असल इसके दरमियान आई, और फिर बेटी का भी मामला बीच में आ गया। हाँ, 8 महीने की हामला, इंतहाई कदम उठाने में मजबूर। अब मुझे ये बताएं कि एक 8 महीने की हामला बच्ची औरत वो इस तरह का कदम उठा सकती है? उससे तो हिला नहीं जाता, वो तो वॉशरूम तक बड़ी मुश्किल जाती है 8 महीने में, और 9वें महीने तक तो वो 7वें महीने से लेकर किसी औरत से आप इंटरव्यू करके पता कर लें इस तरह की हालात में भला औरत क्या कर सकती है, वो फंदा ले सकती है। उसकी टांगें इतनी फोल्ड थी, जब तक बेड फंदे और जमीन के दरमियान स्पेस नहीं होगा तो कैसे फंदा हो सकता है। जो जो मतलब अली ने बताई बात, एक और बात सामने आई है वो मैं आपको वाजे कर दूं कि इन्होंने फिर अपने एक दोस्त को फोन किया, उससे मशवरा किया। वो बात मुझे कल एक बंदे ने मेरे दोस्त, वो तो इन्वेस्टिगेशन में अब सामने आ जाएगी, सामने ना आ जाएगी ये बात कि अब मेरे से इसने कहा कि मेरे से ये गलती होगी है, जज्बात में आके मैंने शराब पी हुई थी तो मेरे से गलती होगी, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि अब भागना नहीं है, नहीं तो शक क्लियर हो जाएगा, तो आप उधर अपने कदमों पर रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस आएगी तो गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी के बाद शक कम हो जाएगा। वकूए पे आपने जब देखा क्या? वकूए में ये देखा कि इसने मुझे 12:45 बजे कॉल की कि आप आ जाएं, जल्दी आएं कि निमरा की तबीयत ख़राब है, निमरा को कत्ल कर दिया गया है, तो आप जल्दी जल्दी फैसल टाउन में आ जाएं। मेरे ये रूममेट हैं आगा साहब, ये और 2-3 और हैं, मैं इनको लिया साथ, फौरन मैंने 15 मिनट में वहाँ फैसल टाउन पहुँच गया। जब हमने देखा है कि दरवाज़ा खुल, पहले ये शोर मचा रहे थे, रो रहे थे, तो देखा कि निमरा को पंखे के साथ हैंग किया हुआ था। ये मैं हम पहुँचने के बाद हम भी रोना शुरू हो गए, और उस वक्त तक पुलिस भी थी, मीडिया भी आई हुई थी, लाहौर न्यूज़ वाले भी आए हुए थे, इसके अलावा ठीक है, यानी वहाँ पे कवरेज हो रही थी। हाँ, बकवा हो गया, बकवा। तो उस वक्त मियां फैसल ने भागने की कोशिश नहीं की? मियां फैसल हमसे पहले गिरफ्तार कर लिया था पुलिस। ठीक है।